हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों आज आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा पार्ट नंबर 3 में कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये जो वर्क यानी थ्योरम वाली लेसन की है। कार्य ऊर्जा प्रमेय इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आने की संभावना है, इसी तरह आप तैयार करना है इसे। देखो, कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट होता है, किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। गणित रूप में डेल्टा के इक्वल टू डब्लू। अब इसका एक डायग्राम देखेंगे छोटा सा। ये समतल है, इस समतल पर एक पिंड रखा है, एक वस्तु रखी है जिसमें का प्रारंभ वेग यू है, बल एफ लगा। बल के एफ लगने से उसमें त्वरण ए उत्पन्न होता है गति में और उसका वेग वी हो जाता है अंतिम वेग। तो इसी बात को हम अब लैंग्वेज में लिख देते हैं। माना एम द्रव्यमान की वस्तु का प्रारंभिक वेग यू तथा बल एफ के कारण वेग वी हो जाता है, तो बल F द्वारा कृत कार्य जो होता है क्या होता है, W इक्वल टू F इंटू S। इसे इक्वेशन वन मान लेते हैं। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर M होता है सूत्र। F क्या है, बल है। M क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है। A क्या है, वस्तु की गति में उत्पन्न त्वरण है। तो F बराबर M A, ये समीकरण नंबर 2 होगी। समीकरण 1 और 2 को अगर 2 का मान एक में रख दें तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से कार्य बराबर W इक्वल टू एम इंटू ए एस। अब इसमें क्या हुआ, हमने A की वैल्यू रख दी, तो A की वैल्यू हमने रख दी तो हमारा ये आ गया W इक्वल टू एम ए एस। अब गति की जो तृतीय समीकरण हम जानते हैं, जो गति की तृतीय समीकरण वो क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इसमें हमारी ये प्रारंभिक वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया, ये इसका त्वरण हो गया और ए इसकी विस्थापन हो गया। तो हमने दिखाया है कि प्रथम स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, एस है। तो विस्थापन भी कहते हैं इसे, एस एक दिशा में चली गई समय के साथ, एक दिशा के साथ चली गई दूरी है तो वो विस्थापन में आती है, दिशा नहीं लेते हैं तो वो दूरी में रह जाती है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों पक्षों में 1/2 एम से गुणा करने पर और 1/2 एम वी स्क्वायर इजकल टू 1/2 एम यू स्क्वायर प्लस एम ए एस। अब इसमें 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 एम यू स्क्वायर, तो 1/2 एम ए एम वी, तो ये तो हमारी प्रारंभिक गति ऊर्जा, ये हमारी अंतिम गति ऊर्जा हो गई। तो एम ए एस क्या हमारा एक कार्य है, इन समीकरणों कौन स्वीकारा था हमने दूसरी में, तो समीकरण 3 और 4 ले लें। समीकरण 3 और 4 में क्या कहेंगे, 1/2 एम वी स्क्वायर इजकल टू 1/2 एम यू स्क्वायर इजकल प्लस डब्लू हो गया और डब्लू का मान हमारा एम ए एस हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो एम वी स्क्वायर है वो अंतिम गति ऊर्जा है के एफ या हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, ये प्रारंभिक गति ऊर्जा से कहते के आई इजकल टू 1/2 एम यू स्क्वायर हो गया। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो कितना, के एफ इजकल टू के आई प्लस डब्लू। के आई को एक तरफ कर लेंगे, के एफ के साथ के एफ इन माइनस के आई इजकल टू डब्लू। तो के एफ के आई का परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा के, तो डेल्टा के इजकल टू डब्लू, अर्थात गति ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होती है। इसे ही कार्य ऊर्जा की प्रमेय कहते हैं। ठीक है, इसे आप याद करेंगे और तैयार करेंगे, इसके बाद कल फिर स्टार्ट होगा।